दिल्ली नरेला स्थित दवाई फैक्ट्री में लगी आग, 18 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद। जगन्नाथपुरी में आयोजित होगी रथ यात्रा, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी इजाजत। गलवान घाटी में हिंसक झड़प पर बोली मायावती, देश के लिए जो बेहतर हो वैसा फैसला ले। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता बोले, विवाद सुलझाने के लिए भारत से कर रहे हैं बात। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 443 नए केस, अब तक 9372 लोग संक्रमित।